लखनऊ से सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी पूनम सिंह ने, जी हाँ पूनम सिंह के लिए अब उनकी बेटी यानी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा आज यानी 3 मई को दोपहर के तकरीबन 2 बजे के करीब अपनी चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। जी हाँ चुनावी रैली को संबोधित करने जा रही हैं और अपनी माता का यानी कि पूनम सिन्हा का प्रचार करेंगी सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ सही सुना आपने, आपको बता दें जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा ज़्यादातर समय राजनीति से थोड़ी दूरी बरकती है, लेकिन अब जिस तरीके से वो अपनी ही माता के लिए अब यानी कि अपनी मम्मी के लिए प्रचार अभियान में जुट रही हैं और लोगों से रूबरू होने जा रही हैं, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं 2019 लोकसभा चुनाव में सोनाक्षी सिन्हा का नाम भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों का मानना ये है कि सोनाक्षी आखिर अपने पिता के लिए रैली नहीं करती लेकिन माता के लिए ही क्यों, और ये उनका पहली बार है जब वो किसी रैली में या चुनावी रैली में मौजूद रहेंगी। आपको बता दें सोनाक्षी सिन्हा की ये रैली लखनऊ शहर के प्रमुख स्थान से होकर गुजरेगी और उनकी मां यानी कि पूनम सिन्हा भाजपा प्रत्याशी और केंद्र गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अपोजिट खड़ी हुई हैं। पिछले दिनों पूनम सिन्हा अपने नामांकन के दौरान यानी पर्चा दाखिल करने के दौरान मौजूद थी, लेकिन उस समय सोनाक्षी नहीं बल्कि सोनाक्षी के पिता और पूनम के पति यानी कि सबको खामोश करने वाले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा मौजूद थे। उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सोनाक्षी सिन्हा तो नहीं लेकिन उनके पति और सोनाक्षी के पिता यानी शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ ज़रूर मौजूद रहेंगे, लेकिन आज जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा अपनी ये रैली करने जा रही है तो कहीं ना कहीं उनको भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है और हो सकता है आने वाले समय में वो भी अपने परिवार की तरह राजनीति में कदम रख दे। फिल्मी अड्डा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।